हेलो एवरीवन, दिस इज़ 12th लेक्चर और यू कैन से 12th वीडियो ऑन ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियरिंग. द पार्ट इज़ सेकेंड यूनिट, दैट इज़ रेलवे इंजीनियरिंग. इन विच रेलवे इंजीनियरिंग अ ब्रांचिंग ऑफ ट्रैक वी विल डिस्कस इन दिस वीडियोज विद द हेल्प ऑफ इन दिस लेक्चर एंड फर्दर वन. ओके, दिस ब्रांचिंग ऑफ ट्रैक इज़ मच मोर इम्पॉर्टेंट इन दिस यूनिट रेलवे इंजीनियरिंग. One thing is very important that in transportation engineering, that second unit is carry 26 marks on, and unit 3 is also carry 26 marks. It means 26 plus 26 is equal to 52 marks. It has been carried by two unit, that is second and fourth unit. So we have to focus in this unit or in the next unit, that is third unit, bridge engineering. Before we discuss railway engineering in detail, the part of railway engineering is 2.4, branching of track. First of all, we have to clear about the marks distribution of each and every point or each and every unit. If you talk about the first unit, then it carry 4 marks only. And if you talk about the second and third, that is second unit and third unit, it carries 52 marks on, and the fourth unit is 14. The total marks is 70. Okay, and in railway branching of track, we have to discuss turnout, crossing, definition of point, a simple split switch, different components, functions and working, crossover scissors, etc. have to discuss. Inspection of point and crossing are also manages in 2.4, that is branching of track. Okay, मेरा बिल्कुल कहने का मतलब यह है कि पूरा transportation engineering में चार unit clear किया गया है. अगर चारों unit की बात करें तो पहला overviews of transportation engineering और दूसरा railway engineering और तीसरा bridge और चौथा tunnel engineering. हम बात कर रहे थे दूसरे unit की और तीसरे unit की. दूसरे और तीसरे unit की अगर हम बात करें तो ये अकेला 26 और 26 मार्क्स कैरी करता है. अगर दोनों को मिला दिया जाए तो अकेला ये दोनों यूनिट 52 मार्क्स को कैरी कर रहा होता है. पहला 4 और दूसरा 26, तीसरा 26 और चौथा 14 मार्क्स कैरी कर रहा होता है. अगर टोटल को जोड़ दिया जाए तो 70 मार्क्स. मेरा बिल्कुल कंसर्न ये है बोलने का कि ये जो सेकेंड यूनिट है वो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाता है एज़ कम्पेयर टू फर्स्ट यूनिट. किस मामले में? मार्क्स के मामले में, राइट? तो इसका हम 2.1, 2.2 और 2.3 पढ़ चुके हैं. हम लोग 2.4 और 2.5 और 2.6 डिस्कस करेंगे, फिर हमारा ये यूनिट कंप्लीट हो जाएगा, राइट? तो हम लोग आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड की ओर. अगर इस स्लाइड में देखें और आपके डैशबोर्ड में देखें तो आउटलाइन दिया हुआ है. फिर आपका एक क्वेश्चन आएगा कि आउटलाइन या टर्नआउट या टाइप्स ऑफ टर्नआउट या कंपोनेंट स्विच, ये सब तो बाद वाली चैप्टर की है, मतलब 2.4 की बाद वाली है. उससे पहले हमें पॉइंट्स एंड क्रॉसिंग पढ़ना है. बिल्कुल सही बात है, बट हमें क्या करना है, सीक्वेंस वाइज ना पढ़ के हमें क्या करना है, इसकी जो एक एक कंपोनेंट को है वो बारी बारी करके हम देख लेंगे. फिर 2.4 में एक भी कंपोनेंट मेरा नहीं छूटेगा, है ना? तो मेरा पहला पॉइंट है आउटलाइन, और आउटलाइन में पहला टॉपिक है वो टर्नआउट. टाइप्स क्या होता है टर्नआउट का? लेफ्ट हैंड एंड राइट हैंड, दो तरीके से इसको डिफाइन किया गया है या बाइफर्केट किया गया है. क्या है? पहला लेफ्ट और राइट. किसको? टर्नआउट को, ठीक है ना? लेफ्ट और राइट टर्नआउट क्या होता है आगे हम फिगर के माध्यम से जान पाएंगे. कॉम्पोनेंट्स, इसके क्या कॉम्पोनेंट्स होते हैं आउटलाइन टर्नआउट के. पॉइंट्स एंड स्विचेज, what are the features of points and what are the features of switches, why we provide points and switches in our track, we will discuss in next to the power. The next topic is turnout. What is turnout in case of roads? अगर हम road की बात करें तो vehicle जो है वो move करता है किसी भी direction में, road पे किसी भी direction में. उसे कोई track के जैसा follow नहीं करना पड़ता है, वो किसी पे आश्रित नहीं होता है, वो किधर भी मुड़ सकता है as पर फ्लैक्सीबिलिटी ऑफ इट्स सेल्फ, है ना? किसमें? रोड के केस में. बट ट्रेन के केस में ऐसा पॉसिबल नहीं है. इन ट्रेन्स नॉट पॉसिबल, इट विल द चेंज द डायरेक्शन को चेंज करना ट्रेन की बस की बात नहीं है. जब तक
हमारा ट्रैक उसे फॉलो नहीं करेगा, फोर्स नहीं करेगा टर्न करने को, किसको, ट्रेन को। तो ये डिफरेंस हो जाता है रोड में और ट्रैक में या ट्रेन में। ट्रांसपोर्टेशन के तीन चार पार्ट होते हैं, हम बिल्कुल एक बात क्लियर कर दें, ट्रांसपोर्टेशन इज डिवाइडेड इनटू फोर पार्ट, दैट इज वाटरवेज, रोडवेज, रेलवेज और एयरवेज। बट वी हैव टू डिस्कस इन इन दिस यूनिट और इन दिस फुली चैप्टर, दैट इज ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियरिंग में सिर्फ और सिर्फ रेलवे इंजीनियरिंग हम बात कर रहे होते हैं। बट दूसरे के रेफरेंस ले, दूसरे का रेफरेंस ले सकते हैं, जैसे रोडवेज का भी रेफरेंस लिए कि रोडवेज में व्हीकल्स मूव किसी भी डायरेक्शन में कर सकता है, बट रेलवे ट्रेन में या ट्रैक में ऐसा पॉसिबल नहीं है। चेंज इज मेड पॉसिबल विद द प्रोविजन ऑफ टर्नआउट्स। अब क्या बात हो रहा है कि ट्रैक में या ट्रेन को चेंज करने का, डायरेक्शन करने, डायरेक्शन को अगर चेंज करवाना होता है तो हम किसकी मदद लेते हैं, प्रोविजन ऑफ टर्नआउट्स, है ना। चेंज इज मेड पॉसिबल विद द प्रोविजन ऑफ टर्नआउट, मतलब क्या है कि जब तक टर्न आउट, लेफ्ट टर्न, राइट टर्न या 25 डिग्री 45 डिग्री टर्न नहीं ले ट्रैक, तब तक ट्रेन को टर्न कराना पॉसिबल नहीं है। कंसिस्ट ऑफ पॉइंट्स एंड क्रॉसिंग, मतलब ये किस किस चीज़ को कंसिस्ट करके, है ना, किस किस चीज़ की मदद को लेके ये टर्न करवा रहा होता है ट्रेन को, तो पॉइंट्स को, क्रॉसिंग को। आगे बढ़ते हैं, वट इज़ द डेफिनेशन ऑफ टर्नआउट, यस, सिंपल अरेंजमेंट ऑफ पॉइंट्स एंड क्रॉसिंग बाय द मैनिपुलेशन ऑफ विच द ट्रेन फ्रॉम द ट्रैक मे बी डाइवर्टेड टू द अनदर ट्रैक और ब्रांच लाइन और द साइडिंग इज नॉन एज टर्नआउट। मतलब कि पॉइंट्स की मदद से और क्रॉसिंग की मदद से हम एक अरेंजमेंट तैयार करते हैं। जैसे हम लोग पी वे पढ़े थे, पी वे इन द सेंस what is the full form of P-way and P stands for permanent, it's permanent way, the whole track which is related to blast, track, sleepers, fastening, fixers, etc. are the parts of P-way, that is permanent way, that's why we use the P-way in whole branching or ट्रैक। बट हेयर इन टर्न आउट सिंपल अरेंजमेंट ऑफ ओनली पॉइंट्स एंड क्रॉसिंग बाय द मैनिपुलेशन ऑफ विच ट्रेन फ्रॉम वन ट्रैक मे बी डाइवर्टेड टू द अनदर ट्रैक। अगर एक ट्रेन को अगर एक ट्रैक से दूसरे ट्रैक में अगर जाना अगर हमें तय करना है, मतलब अगर एक ट्रैक में जा रहा है वो एक्स से वाई डेस्टिनेशन तक, एक्स ओरिजिन हो गया वाई ओरिजिन तक, लेकिन बीच में हमें वाई ओरिजिन पे नहीं जाना है, ठीक है, वाई ओरिजिन में नहीं जाना है, हमें किस ओरिजिन पे जाना है, जेड ओरिजिन पे। तो अगर हम जेड ओरिजिन पे जाने की कोशिश करेंगे तो हमें क्या करना पड़ेगा, एक्स टू वाई की दिशा में तो हम जा रहे हैं, बट हमें टर्न आउट लेना पड़ेगा, या तो राइट टर्न आउट या तो लेफ्ट टर्न आउट। विद द हेल्प ऑफ क्रॉसिंग एंड पॉइंट्स वी विल डेफिनेटली रिच इन द डेस्टिनेशन पॉइंट, दैट इज जेड, है ना। किसके हेल्प से, पॉइंट्स के हेल्प से और क्रॉसिंग के हेल्प से हम टर्न आउट ले सकते हैं और दूसरे ट्रैक के माध्यम से दूसरे ट्रैक पे जा सकते हैं, अनदर ट्रैक और ब्रांच लाइन और द साइडिंग इज नॉन एज टर्न आउट। जैसे हम एक ब्रांच से, एक ट्रैक से दूसरे ट्रैक में जाते हैं विद द हेल्प ऑफ अ नंबर ऑफ कंपोनेंट्स, दैट इज टर्न आउट, राइट। टू ट्रैक्स आइदर मर्ज और डाइवर्ज और टू ट्रैक्स पैरेलल टू ईच अदर but are still connected to each other, this connection helps in changing the direction of trains। मतलब दो ट्रैक है, या तो मर्जिंग है या तो डाइवर्जिंग है। What is the difference between merging and diverging? Merging it means the two track are in the connectivity, that is wonderful example। अगर हम बात करें कि what is the actual difference between merging and डाइवर्जिंग, मर्जिंग मतलब एक साथ आना, है ना, डाइवर्जिंग मतलब एक दूसरे से अलग होना, ठीक है ना। और टू ट्रैक्स पैरेलल टू ईच अदर बट आर स्टिल कनेक्टेड टू ईच अदर, दिस कनेक्शन हेल्प्स इन चेंजिंग द डायरेक्शन ऑफ द ट्रेन, ठीक है ना। ये सब मिलकर एक ट्रेन को एक ट्रैक के माध्यम से डायरेक्शन को चेंज करने में मदद करता है, राइट। फॉर दिस पॉइंट्स एंड क्रॉसिंग आर यूज्ड, किस चीज़ का यूज होता है इसमें, पॉइंट्स एंड क्रॉसिंग का, राइट। कर रहे थे टर्न आउट का, टर्न आउट एंड क्रॉसिंग,
Crossing. This is the figure of crossing which define each and every component of railway track, which we'll discuss in the previous term or point. This is the elaborate term of crossing, in which a number of trains, a number of bogies, a number of wagons are directly related to the yards. You can see this is the main line from which a number of destination is to be diverge or converge. Okay, this is the divergent one, and here all the tracks, a number of tracks, 7 to 8 or 10 to 12 tracks are converge, or you can say merge. Matlab kam hona, diverge matlab zyada hona, hai na. यहाँ पे जो इस फिगर में हम लोग देख सकते हैं कि यहाँ पर मर्ज हो रहा है, मर्ज मतलब कम हो रहा है, ठीक है ना. अगर इसी दोनों ट्रैक को आगे हम लिए चलते हैं तो क्या हो रहा है, अ नंबर ऑफ ट्रेन्स और बोगीज क्या हो रहा है, डाइवर्ज हो रहा है, ठीक है ना. मर्ज और डाइवर्ज में यही मेन डिफरेंस है, अगर रेलवे ट्रैक के आस्पेक्ट्स पॉइंट ऑफ व्यू से हम देखें तो. राइट, आगे देखते हैं. आगे जो टर्नआउट्स एंड प्रॉब्लम्स है, कि टर्नआउट्स तो है, ठीक है, टर्नआउट्स होना पड़ता है किसी भी ट्रेन को या किसी भी ट्रैक को एक डायरेक्शन से दूसरे डायरेक्शन की ओर जाने के लिए. बट अगर उसमें प्रॉब्लम्स भी आती, किस तरह का प्रॉब्लम्स, सम प्रॉब्लम्स एग्जिस्ट. फर्स्ट वन, वीकेस्ट पॉइंट्स ऑन द ट्रैक ड्यू टू द जॉइंट्स एंड फास्टिंग सेफ्टी बिकम्स मेन कंसर्न इन डिजाइन. मतलब कि जब हम किसी भी ट्रैक को टर्न लेने पे मजबूर करते हैं, ठीक है ना, या टर्न लेना पड़ता है, तो हमें वहाँ पर फास्टनिंग और फिक्सर्स ऑफ फास्टनिंग की ज़रूरत पड़ती है, जो कि वीकेस्ट पॉइंट होता है किसी भी ट्रैक का. कोई भी एक ट्रैक है 12 पॉइंट समथिंग मीटर, है ना, अभी इंडिया में 12.428, यही इतना, इससे बड़ा ट्रैक या आप बोल सकते हो पटरी बनना मुश्किल है ना. एक मीटर भी बढ़ा नहीं सकते, एक इंच, एक सेंटीमीटर भी नहीं बढ़ा सकते. तो वो जहाँ पर ट्रैक जहाँ टर्न लेगा, तो वहाँ पर हमें क्या करना पड़ेगा, जॉइंट्स लेना पड़ेगा. और जैसे जॉइंट्स लेंगे विद द हेल्प ऑफ फास्टनिंग एंड फिक्सर्स, हम वो जो पॉइंट है वो वीक पॉइंट होगा, वीकेस्ट पॉइंट होगा, वीकर पॉइंट होगा. राइट, तो ये मेरे लिए, हमारे लिए डीमेरिट्स हैं कह सकते हैं टर्नआउट के लिए, प्रॉब्लम्स है. रिटार्ड्स द मूवमेंट ऑफ ट्रेन्स, ठीक है ना, वो क्या करता है, मूवमेंट ऑफ ट्रेन को कम करने की कोशिश करती है. राइट, आगे देखते हैं. टाइप्स ऑफ टर्नआउट, व्हाट आर द टाइप्स ऑफ टर्नआउट इन इन आवर फर्स्ट वर्ड इन दिस लेक्चर आई एक्सप्लेन द टर्न टर्म और टाइप्स ऑफ टर्नआउट, दैट इज फर्स्ट वन, लेफ्ट, सेकंड वन राइट. डिपेंडिंग ऑन डायरेक्शन ऑफ मूवमेंट ऑफ ट्रेन्स फ्रॉम मेन ट्रैक से किसी भी ट्रेन को, किसी भी ट्रैक को मुड़ना होता है, तो कोई दो ही दिशा में हम मुड़ रहे होते हैं, या तो लेफ्ट हैंड और या तो राइट हैंड टर्नआउट. राइट, तो ये दो चीज़ों में बांट दिया गया है, या दो टर्म में बांट दिया गया है किसको, टर्नआउट को, ठीक है ना. डिपेंड्स ऑन द डायरेक्शन. कंस्टिट्यूट्स ऑफ टर्नआउट, ये तो टर्नआउट है, आप लेआउट देख सकते हो टर्नआउट का, ठीक है ना, कि क्या होता है, एक मेन ट्रैक है, ठीक है ना, तो वो क्या होता है, चेक रेल से या विंग रेल के माध्यम से क्या होता है, वो टर्न ले रहा होता है एक दूसरे डायरेक्शन में. अगर इसकी बात करें तो मेन लाइन हमारा राइट टर्न आउट हो रहा है, राइट टर्न आउट हो रहा है, ठीक है. थ्योरेटिकल नोज क्या हो रहा है, क्रॉसिंग पे जा रहा है, एक्चुअल नोज क्रॉसिंग और थ्योरेटिकल नोज क्रॉसिंग, ठीक है ना. उसके माध्यम से चेक रेल और विंग रेल के माध्यम से हम क्या कर सकते हैं, ट्रैक को मेंटेन कर सकते हैं, और किसी भी ट्रेन को किसी भी दिशा में हम मोड़ सकते हैं विद द हेल्प ऑफ चेक रेल और विंग रेल. राइट, तो ये पार्ट है किसका, हमारा टर्नआउट का. राइट, कंपोनेंट पार्ट ऑफ टर्नआउट, टर्नआउट करवाने में बहुत ढेर सारा कंपोनेंट लगता है. क्या क्या लगता है, अ पेयर ऑफ टंग रेल, अ पेयर ऑफ स्टॉक रेल, टू चेक रेल्स, फोर लीड्स रेल, वी क्रॉसिंग स्लाइड स्टेयर्स, सॉरी चेयर्स, स्ट्रेचर्स, हिल ब्लॉक्स, स्विच टाइज, ऑपरेटिंग पॉइंट्स जिसको रोड्स, क्रैंक्स, लिवर्स में बांट देते हैं, लॉकिंग सिस्टम विच इंक्लूड्स लॉकिंग बॉक्स, लॉक बार और प्लंजर बार. तो इन चीज़ों से ही लॉकिंग सिस्टम बनता है. लॉकिंग सिस्टम कंसिस्ट ऑफ अ नंबर ऑफ बार्स विच इज जस्ट लाइक फर्स्ट वन इज इन लॉकिंग बॉक्स, सेकेंड वन इज लॉक बार, थर्ड वन इज प्लंजर बार. और भी ढेर सारा चीज़ होता है जो लॉकिंग सिस्टम को बनाने में मदद करता है. लॉकिंग सिस्टम इज अ कम्बिनेशन ऑफ अ पार्ट और कम्बिनेशन ऑफ मैनी टूल्स लाइक लॉकिंग बॉक्स, लॉकिंग बार और प्लंजर बार. और भी ढेर सारा टूल्स होता है जो लॉकिंग सिस्टम को
पेयर में कंपेयर में टर्नआउट में मदद करने के लिए एक सिस्टम बनाने की कोशिश कर रहा है। ये 11 चीज़ों के माध्यम से, 11 कंपोनेंट के माध्यम से टर्नआउट एक काम आ रहा होता है, या टर्नआउट करने में हम किसी भी ट्रेन को या ट्रक को हम सक्षम होते हैं। डायरेक्शन भी ढेर सारा होता है, फेसिंग डायरेक्शन, स्टैंडिंग एट अ स्विच एंड लुकिंग टूवर्ड्स क्रॉसिंग, दैट इज द फेसिंग डायरेक्शन। व्हाट इज ट्रेलिंग डायरेक्शन? स्टैंडिंग एट क्रॉसिंग एंड लुकिंग टूवर्ड्स स्विच, ठीक है ना। अब जब हम स्विच पे खड़े होके, स्विच के दिशा में खड़े होके लुकिंग टूवर्ड्स सामने की ओर देखते हैं, दैट इज़ फेसिंग डायरेक्शन। जब हम क्रॉसिंग पे खड़े होके सामने स्विच की ओर देखते हैं होते हैं, मतलब वाइस वर्सा हम बोल सकते हैं, जस्ट अपोजिट बोल सकते हैं, फेसिंग इज डायरेक्टली अपोजिट ऑफ ट्रेलिंग डायरेक्शन, ठीक है ना। पॉइंट्स किसको कहते हैं? अ पेयर ऑफ टंग रेल विथ स्टॉक्स रेल्स, ट्रेन डाइवर्टिंग फ्रॉम द मेन ट्रैक विल नेगोशिएट दीज पॉइंट्स फर्स्ट, ठीक है ना। ये पॉइंट बोल सकते हैं, व्हाट इज टंग रेल, व्हाट इज स्टॉक रेल, वी विल डिस्कस इन आवर नेक्स्ट वीडियोज और नेक्स्ट लेक्चर। टिल दैट प्लीज लाइक दिस वीडियोज एंड आई होप यू एंजॉय दिस वीडियोज और लेक्चर। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस सेकेंड यूनिट ऑफ रेलवे इंजीनियरिंग, सॉरी ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियरिंग, दैट इज रेलवे इंजीनियरिंग एंड द पार्ट ऑफ ब्रांचिंग ऑफ अ ट्रैक। थैंक यू।